इनेलो बसपा पार्टी के द्वारा एसवाईएल नहर के निर्माण, प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जीएसटी व नोटबंदी की वजह से दुकानदारों और आम आदमी को होने वाली परेशानियों को लेकर शनिवार को हरियाणा बंद किया गया। लेकिन अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि चरखी दादरी में हरियाणा बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। मुख्य बाजार में बंद के दौरान जहां जहां से इनेलो विधायक व कार्यकर्ता निकले वहां कुछ समय के लिए दुकानें बंद हो गई, लेकिन इनेलो कार्यकर्ताओं के वहां से जाने के बाद दुकानें खोल दी गई। जबकि चरखी दादरी से इनेलो विधायक राजदीप फोगाट ने बंद को सफल बताया। जब उनसे दुकानों के खुले होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केवल दवाइयों की दुकानें व अस्पताल खुले हैं, बाकी सभी दुकानें बंद हैं। विधायक राजदीप फोगाट ने दो दिन बाद 10 सितंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा बंद की घोषणा पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे तो लकीर के फकीर हैं। सभी दुकानदार भाइयों ने, चाहे रेहड़ी वाले से बात की हो या किसी बड़े दुकानदार से बात की हो, सब ने ये कहा कि आपके मुद्दे बिल्कुल ठीक हैं और हम आपके साथ हैं, और जिस प्रकार बीजेपी ने परेशान व्यापारियों को कर रखा है, आम आदमी को कर रखा है, तो आपका ये बंद के प्रति हम 100% समर्थन करते हैं। और हमारे कहने से पहले सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके इस बंद को सफल किया, उसके लिए हम पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सभी व्यापारियों ने आज इंडियन नेशनल लोकदल का और बहुजन समाज पार्टी का साथ देके और ये साबित कर दिया कि बीजेपी जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा आ रही है। विधायक जी, एक चीज़ देखने में आई कि जहाँ जहाँ से आप लोगों का जो काफिला निकला वहाँ पर दुकानें बंद होती हुई दिखाई दी, लेकिन जैसे ही आपका काफिला वहाँ से निकला उसके बाद दोबारा से वहाँ पर दुकानें, आप विश्वास करोगे, मेरे ख्याल में 99% से ऊपर कोई एक आध जो मेडिकल की दुकान है वो हमने भी उनसे भी अपील की कि आप खोल लो, डॉक्टरों से हमने अपील की कि आप खोल लो, क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल की दुकान खुलनी चाहिए, और कहीं दुकान खुली है तो केवल वो दुकानें खुली हैं। बाकी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने कहने से पहले ही उन्होंने मन बना रखा था, हम तो व्यापारियों के साथ हैं, ना कि व्यापारी हमारी बात सुन रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम दुकान बंद करने के इच्छुक हैं, हम समर्थन करते हैं बंद का और विरोध करते हैं बीजेपी पार्टी का। आपको क्या लगता है इस तरह के जो बंद होते हैं उनसे कितना दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? 100% खाली एक पार्टी लड़ती है तो वो आप मानने के कोई ना कोई ये कह देता है पॉलिटिकल बात है, और जब आम समर्थन उतरता है, आम व्यापारी उतरता है इस पक्ष में कि ये जो बहुजन समाज पार्टी ने और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो समर्थन मांगा बंद का, तो वो व्यापारियों ने दिया, तो हर आदमी ये मानता है कि इनके मुद्दे जो हमारे 9 मुद्दे थे, चाहे वो SYL का था या और थे, सारे के सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें व्यापारी भाई हमारे समर्थन में आए। हमारा तो मकसद ये था कि वो हम एक आईना दिखाएं सरकार को कि आम आदमी कितना विरुद्ध है इसके बीजेपी पार्टी के, सरकार के, वो दिखाना था, और वो आज साबित कर दिया। दादरी ही नहीं, हम तो जहाँ भी रिपोर्ट पूछ रहे हैं, जहाँ भी पूछ रहे हैं, पूरा हरियाणा पूर्णतः बंद है, केवल मेडिकल की दुकानें खुली हैं या कुछ भाइयों ने रेडी लगा रखी। दो दिन के बाद कांग्रेस भी बंद का ऐलान करे हुए है, तो उसके बारे में देखो वो तो लकीर के फकीर हैं, हमारी बात का पीछा कर रहे हैं, और बंद का समर्थन आज हो गया। और बंद कौन कर रही है? कांग्रेस भी 6 पार्टी हैं, हुड्डा साहब कर रहे हैं, या भाई कुलदीप जी बात बंद कर रहे हैं, या अशोक जी बंद कर रहे हैं, अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो बंद कौन कर रहा है? अभी तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला करना है।